तो फाइनली बिहार के स्कूलों में कॉलेजों में दुर्गा पूजा की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन ये छुट्टियां कब तक रहेंगी? हमारे स्कूलों में कॉलेजों में जो काम चल रहे थे, फॉर्म भरने का काम हो, एग्ज़ाम हो, रजिस्ट्रेशन हो, 11th का रजिस्ट्रेशन हो या फिर 10th 12th का एग्ज़ाम फॉर्म हो, ये सारी चीज़ों का डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सारी बातें, और छुट्टियाँ कब ख़त्म हो रही हैं, कब दोबारा स्कूल खुलेंगे, स्कूल खुलने के बाद कौन कौन से काम अब हमें करने होंगे, सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि आपके स्कूल बंद कब तक हैं, स्कूलों में छुट्टियाँ कब तक हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी कब तक है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। 26 नंबर कॉलम देखिए, 26 नंबर में जो है दुर्गा पूजा सप्तमी की छुट्टी 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर छुट्टी शुरू हो चुकी है, 10 को छुट्टी रहेगी, 11 को, फिर 12 को छुट्टी रहेगी, और फिर 13 को अगर हम बात करें तो 13 को है संडे, यानी कि 10 11 12 13 चार दिन अक्टूबर में छुट्टियां रहेंगी, और इसके बाद सोमवार 14 तारीख को फिर से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। यानी अब जो काम होगा, अब चाहे आपको 10 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, 12 का एग्ज़ाम फॉर्म भरना हो, 11 का रजिस्ट्रेशन कराना हो, या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम है मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर वाले, तो अक्टूबर का मंथली एग्ज़ाम वो सब भी अब होने वाला है स्कूल खुलने के बाद। अब हम देखते हैं कि भाई जो 11th के बच्चे थे रजिस्ट्रेशन कराने वाले, उनका रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 10 का एग्ज़ाम फॉर्म बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 12 का एग्ज़ाम फॉर्म डेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम फॉर्म का डेट 10 तारीख को बढ़ना था, बढ़ भी चुका है, और अब जो है ना आप 19 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, 10th 12th का फॉर्म 19 तारीख तक भर सकते हैं, क्योंकि फ़ी पेमेंट करने का यही लास्ट डेट है। लेकिन इस बार जो डेट बढ़ाया गया वह लेट फाइन के साथ बढ़ाया गया है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि पहले जितना फीस लग रहा था फॉर्म भरने का, जो भी चार्ज लग रहा था, अब उससे ज़्यादा लगेगा, चाहे 11 के रजिस्ट्रेशन की बात हो, 10 का यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म भरने की बात हो, या इंटर का एग्ज़ाम फॉर्म भरने की बात हो, अब लेट फाइन के साथ डेट बढ़ा है, तो अब आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, पहले के मुकाबले शुल्क ज़्यादा आपको लगेगा। तो अब रही बात कि ठीक है 19 तक तो फॉर्म भराएगा, लेकिन ये 19 तक फॉर्म भराएगा तो आप अभी सोचिएगा छुट्टी में जा करके हम एग्ज़ाम फॉर्म भर दें, तो ये संभव नहीं है। अब फॉर्म आपका भराएगा भी तो छुट्टियों के बाद 14 तारीख जो स्कूल खुलने वाला है, स्कूल खुलने के बाद ही फॉर्म भराएगा। अच्छा, इसके अलावा फिर एक सवाल हमारे पास बच्चों का आ रहा था कि 9th 10th का अक्टूबर वाला मंथली एग्ज़ाम कब से होगा। तो देखिए 9th 10th 11th 12th सबका अक्टूबर एग्ज़ाम का, अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम का रूटीन जारी हो ही चुका है। मैं फिर से आपको बता दूं कि 11th क्लास का जो अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम है वह 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और जो चलेगा कब तक, तो आपको चलेगा 24 अक्टूबर तक चलेगा। 12th का जो है मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर वाला वो शुरू हो रहा है कब से, तो 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 12th का मंथली एग्ज़ाम, और चलेगा लास्ट कब तक चलेगा, तो ये 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस रूटीन को आप इस वीडियो के में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रूटीन को PDF वगैरह सब। अब 9th 10th की बात करें तो 9th 10th दोनों का एक सेम ही रूटीन है, जो कि 9th 10th का जो मंथली एग्ज़ाम अक्टूबर वाला है 21 अक्टूबर से शुरू होगा और 23 अक्टूबर से चलेगा। मतलब ये हुआ कि ये छुट्टी के बाद जैसे ही 14 अक्टूबर को स्कूल खुलेगा, आपका 11th रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, 10 का एग्ज़ाम फॉर्म फिर से शुरू, 12 का एग्ज़ाम फॉर्म ये भी फिर से शुरू, लेकिन इस बार जो भराएगा फॉर्म वो सब भराएगा लेट फाइन के साथ। अब यहाँ पर एक सवाल ये था कि बच्चों का कि सेंटअप एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है, किसका होने वाला है, तो 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का और फिर 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का, यानी जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक एग्ज़ाम देना है या फिर इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों का सेंटअप एग्ज़ाम होना है। तो सेंटअप एग्ज़ाम का अलग से रूटीन आएगा, किसका, तो 10 का भी आएगा अलग से और 12 का भी आएगा सेंटअप एग्ज़ाम का अलग से रूटीन, और उस रूटीन के हिसाब से ही एग्ज़ाम होगा। उसका भी क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड बनाता है, और सेंटअप एग्ज़ाम में आपके पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। साथ ही मैं यहाँ पर ये बता दूं, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि सेंटअप एग्ज़ाम में पास करना और नहीं बैठने या एबसेंट होने, इस मामले में तो देखिए सेंटअप एग्ज़ाम में जनरली किसी को फेल नहीं किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपके स्कूल ने आपको फेल करके भेज दिया ना, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। जनरली क्या होता है कि बच्चे अगर सेंटअप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं ना, एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उनको फेल नहीं किया जाता है, उनको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपका स्कूल आपको एबसेंट करके भेज दिया, आपको फेल करके भेज दिया, तो बहुत समस्या हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि अगर कोई स्कूल, अगर मान लेते हैं आप सेंटअप एग्ज़ाम 10 का हो या फिर 12 का हो, अगर सेंटअप एग्ज़ाम में आप बैठते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आपका स्कूल रिजल्ट आपका बना के भेज दिया, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे, रिजल्ट भी बना के नहीं भेजा, मतलब आपका स्कूल आपको एबसेंट करके भेज दिया, तो आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा। और उसी प्रकार से अगर आप एग्ज़ाम में बैठे लेकिन आपका रिजल्ट आपका स्कूल बना करके नहीं भेजा, तो रिजल्ट ना भेजने की वजह से आपका हो जाएगा एबसेंट सेंटअप एग्ज़ाम में, और आपका एडमिट कार्ड रुक जाएगा, फरवरी में आप मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो सेंटअप एग्ज़ाम का ये सब रूल है जो आपको समझना होगा, बहुत कुछ स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी स्कूल ने अगर रिजल्ट बना के भेज दिया, आप एग्ज़ाम दिए हों या ना दिए हों,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर रिजल्ट आपको बना करके भेज दिया गया है तो। तो ये छुट्टियों की या फिर एग्ज़ाम फॉर्म भरने की या फिर सेंटअप एग्ज़ाम की बहुत सारे सवाल थे आपके, मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में फिर अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ।